हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर से लेके आ चुके हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग एक और नया ट्रिक, यूनिक ट्रिक के साथ फिर से हाजिर हैं। तो हाँ प्यारे दोस्तों, कुछ व्यूअर्स की डिमांड से ये वीडियो बनाया जा रहा है और ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा। और फ्रेंड्स, इसमें हम लोग कुछ मैप, कुछ फैक्ट और इसका ट्रिक में कौन कौन सा कंट्री आते हैं उसको ध्यान से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल पे सही देखा है, जेम्स बक ने बताया इक्वेटर भूमध्य रेखा किस किस देशों से गुजरती है। तो हाँ दोस्तों, आपको ये बात पता होना चाहिए, इक्वेटर जिस जिस कंट्री से क्रॉस करती है उस कंट्री में थोड़ा सा रिलेटिवली ज़्यादा हीट होता है या गर्मी ज़्यादा पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये जेम्स बक आप जो पिक्चर में देख रहे हैं, ये जेम्स बक एक एनिमल है जो साउथ अफ्रीका का है। और फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका से भी, अफ्रीका से भी, कॉन्टिनेंट से भी ये इक्वेटर क्रॉस करती है। तो ये वहाँ का एनिमल और बहुत फेमस एनिमल है, जेम्स बक। तो फ्रेंड्स, देखते हैं जेम्स बक हमें इक्वेटर के सारे देश को कैसे याद करने में हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे दोस्तों ट्रिक। ये ट्रिक क्या है दोस्तों? जेम्स बक इन केनिया। तो फ्रेंड्स, बस आपको माइंड में ट्रिक यही याद रखना है, जेम्स बक इन केनिया। तो फ्रेंड्स, ये सारा हम लोग जेम्स बक जो जो लेटर इसमें प्रेजेंट है वो एक एक कंट्री को डिफाइन करेगा और देखेंगे किस किस कंट्री को वो डिफाइन करता है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको इक्वेटर का क्वेश्चन आता है और सिर्फ ये ट्रिक पता है, जेम्स बक इन केनिया, तो आप क्वेश्चन करने की 80% चांस है। जैसे फ्रेंड्स, अगर आप चार ऑप्शन देखेंगे और जेम्स बक का ये लेटर अगर उसमें प्रेजेंट है तो वो कंट्री आंसर होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। ये 80% चांस है फ्रेंड्स, नहीं तो आप ये सारा कंट्री आप एक लाइन में देख सकते हैं। और अगर हम इसमें मैप से डिस्कस करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा कौन कौन सा कंट्री है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें देखिए आप, मैं मैप लिया हूँ केनिया का, क्योंकि केनिया ये ट्रिक में आया था। और केनिया का राजधानी फ्रेंड्स नैरोबी, ये भी बात आप याद रखें क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, केनिया की राजधानी कहाँ है? तो नैरोबी। तो ये आपका क्लियर हुआ फ्रेंड्स यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये जेम्स का फुल फॉर्म क्या हुआ दोस्तों? जी से गैबोन, ई से इक्वाडोर, एम से मालदीव्स, एस से सोमालिया, बी से ब्राज़ील, यू से युगांडा, सी से कोलंबिया, के से किरीबाती, इन से इंडोनेशिया, और फ्रेंड्स केनिया से केनिया। और फ्रेंड्स, तीन ऐसे कंट्री हैं जिसका ये एक सेंटेंस में इसका कंट्री का नाम है दोस्तों, तो ये ट्रिक में नहीं आ पाया। तो ये तीन कंट्री आप अपना माइंड में याद कर सकते हैं दोस्तों, पहला जो कंट्री है दोस्तों। और ये कंट्री ऑप्शन में आने का बहुत कम चांस है दोस्तों, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन थोड़ा सेट करना डिफ़िकल्ट है। तो उधर का जो देश था वही आ सकता है। और उधर टोटल कितना कंट्री हो गया दोस्तों? 10 हो गया टोटल। इधर 3 कंट्री है, वो 3 कंट्री को देखते हैं फ्रेंड्स। साओ टोम प्रिंसिपी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो इस तरह का जो कंट्री का नाम अगर आता है दोस्तों, तो इससे भी क्या होता है फ्रेंड्स, ये इक्वेटर क्रॉस करता है। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और याद रखना है, कौन कौन सा कॉन्टिनेंट से ये इक्वेटर क्रॉस करता है? तो ये साउथ अफ्रीका, अफ्रीका और एशिया से क्रॉस करता है। तो एग्ज़ाम में अगर आता है कि किस कंट्री, किस कॉन्टिनेंट से ये इक्वेटर पास नहीं करता है, तो फ्रेंड्स आपको माइंड में बस ये तीन कंट्री रखना है, चौथा कंट्री जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो साउथ अमेरिका से पास करता है, अफ्रीका से भी करता है और एशिया से भी करता है। और फ्रेंड्स, अगर इसका आपको ट्रिक याद रखना है तो बस आप कुछ नहीं कीजिए, SRD। तो आप ये याद रख सकते हैं, जेम्स बक इन रेस इन केनिया। और ये सारे के लिए SRD, एस से साउथ टॉम प्रिंसिपी, आर से रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डी से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये चीज़ आप याद करते आ सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड में ये सारा कंट्री है, ऑल द कंट्रीज दैट लाई अलोंग द इक्वेटर। तो फ्रेंड्स, इसमें जो जो कंट्री इक्वेटर पे लाई करता है वो देखते हैं कौन कौन सा कंट्री है, जो भी डिस्कस किया था बस इसको आप माइंड में याद रखें, तो आपका ये थोड़ा सा दिमाग में छप जाएगा क्योंकि विजुअल है। तो फ्रेंड्स, पहला कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील, गैबोन, साओ टोम प्रिंसिपी, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरीबाती। तो फ्रेंड्स, ये किरीबाती
ये किरीबाती है, एक ईस्ट में है फ्रेंड्स, ये पूरा ईस्ट में है, और ये वेस्ट में कोलंबो, और मिडिल में कौन है दोस्तों, युगांडा। तो ये याद रखें फ्रेंड्स। और हाँ दोस्तों, ये सारा बोला जाता है कि जो इक्वेटर में जितने कंट्री लाई करते हैं, यहाँ पे रिलेटिवली क्या होता है दोस्तों, हॉट क्लाइमेट होता है, थोड़ा सा रिलेटिवली गर्म होता है ज़्यादा, तो ये सारा हॉट क्लाइमेट है। और हाँ फ्रेंड्स, कुछ फैक्ट हम लोग देखते हैं जो नीचे आपको मिलेगा। तो कुछ फैक्ट देखते हैं दोस्तों। हु लिव्स अलोंग द इक्वेटर, कौन इक्वेटर में लाइव करते हैं, कौन रहते हैं। मोस्ट ऑफ द इक्वेटर ऑलमोस्ट 25,000 miles इज द ओशियन, इन द ओशियन देयर आर 13 countries। तो ये फ्रेंड्स हमने 13 country को भी देख लिया, कौन कौन सा 13 country है। तो एक बार फिर से देखते हैं ये क्या लिखा है। देयर आर 13 countries लाई अलोंग द इक्वेटर, दे आर डिस्पर्स्ड थ्रू साउथ अमेरिका, जो अभी देखा दोस्तों, अफ्रीका, एशिया, 3 continent। और ये फ्रेंड्स 13 हमारा कंट्री है, तो टोटल फ्रेंड्स 13 country से क्रॉस करता है, और 3 continent से ये क्रॉस करता है। और हाँ फ्रेंड्स, ऐसा सबको लगता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, गर्मी तो होता है, बट कुछ कुछ कंट्री में उतना गर्मी नहीं होता है। तो फन फैक्ट अबाउट द इक्वेटर, तो फ्रेंड्स इक्वेटर में कुछ बातें हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या लिखा है, विथ कॉन्स्टेंट सन इट इज़ ईजी टू इमेजिन दैट इट इज़ वेरी हॉट अलोंग द इक्वेटर ग्रेट सर्कल, बट इन फैक्ट देयर इज़, ऐसा माना जाता है और होता भी है, बट इन फैक्ट देयर इज़ स्नो, इसके अलावा यहाँ पे स्नो भी पाया जाता है दोस्तों, जो इक्वाडोर, जो इक्वाडोर कंट्री मैंने नाम लिया था, उस इक्वाडोर में फ्रेंड्स यहाँ पे स्नो भी पाया जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अगर बोला जाता है दोस्तों कि इक्वेटर से क्रॉस होने वाली कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पे स्नो पाया जाता है, तो फ्रेंड्स इक्वाडोर हो जाएगा। एंड हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स रेन फॉरेस्ट, जो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा घना फॉरेस्ट होते हैं ना, उसको रेन फॉरेस्ट बोलते हैं। हाफ ऑफ द वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द इक्वेटर। आप सोच सकते हैं दोस्तों, इतना ज़्यादा गर्मी होने के बावजूद इक्वेटर पे क्या होता है, 50% जंगल इधर है, वो भी रेन फॉरेस्ट, मेनली इन ब्राज़ील, इंडोनेशिया, कोंगो, ये 3 countries फ्रेंड्स, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, कोंगो। देर आर ऑल्सो मीथ, एक ऐसा माना जाता है अबाउट द इक्वेटर लाइक द मून फ्लिप्स अपसाइड, फ्रेंड्स अपसाइड वो फ्लिप्स करता है डाउन वेन द क्रॉसिंग द इक्वेटर, विच इज़ नॉट ट्रू, द मून में अपेयर डिफरेंट इन ईच हेमिस्फेयर बेस्ड ऑन योर ओरिएंटेशन। तो ये फैक्ट बात रहा दोस्तों। तो ये सारा कवर हो गया फ्रेंड्स, कुछ फैक्ट बातें और कुछ मैप से सारा कंट्री मैंने देख लिया दोस्तों। और फ्रेंड्स इधर जहाँ पे माउंटेन मैंने दिखाया था, उस माउंटेन पे क्या होता है दोस्तों, क्लाइमेट बहुत ये ठंड है दोस्तों। तो कौन सा कंट्री था, इक्वाडोर। तो फ्रेंड्स इक्वाडोर ये हुआ, और इक्वाडोर में जो माउंटेन का प्लेस है दोस्तों, उस माउंटेन प्लेस में क्या होता है दोस्तों, स्नो पाया जाता है। और फ्रेंड्स वैसा कंट्री जिस कंट्री में बहुत सारा ज़्यादा जंगल पाया जाता है, वो कौन सा था दोस्तों, ब्राज़ील था, इंडोनेशिया था। तो ये सारा भी आपको माइंड में याद रखना होगा दोस्तों। और फ्रेंड्स इसमें और देखते हैं कुछ फैक्ट। इसमें तो आपने देख लिया 3 countries आपको याद रखना है, और 10 countries याद रखना है। जो ट्रिक होगा वो क्या होगा दोस्तों, जेम्स बक इन केनिया, और केनिया की राजधानी नैरोबी। तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है आपको ये सारा चीज़ें जो जो मैंने इसमें यूज किया, सारा चीज़ समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो ये रहा ट्रिक, और ये ट्रिक आपको कैसा लगा, आप लाइक करके मुझे मोटिवेट करें, और हमारे चैनल पे बने रहें। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को बजा दें ताकि मेरा प्रत्येक दिन का सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच जाए। और हाँ दोस्तों, मैं इसमें 3 videos पर डे डालता हूँ, जो सीरीज है NTPC ग्रुप डी का, एक सीरीज है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का, दूसरा ये इजी ट्रिक से रिलेटेड है। और इजी ट्रिक में आप टॉपिक को सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसी टॉपिक पे अगर रिलेवेंट पाया गया तो उसको बनाया जाएगा उस पर, जिस तरह आज एक व्यूअर ने इस टॉपिक के लिए डिमांड की थी, उसी तरह नेक्स्ट वीडियो में आपका ट्रिक का वीडियो बन जाएगा। और फ्रेंड्स थर्ड जो वीडियो मेरा है वो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, या मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, उस टॉपिक पर आधारित रहेगा। तो ये 3 videos हमेशा आप देखें, और लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे थोड़ा मोटिवेट करें लाइक करके वीडियो को। तो हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक और नेक्स्ट सीरीज के साथ फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय दोस्तों।